हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम स्टडी आईक्यू पर। आज है 3 अप्रैल 2021 और हम आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गुड फ्राइडे कब मनाया गया है? तो है 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया गया है। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो इस दिन यीशु मसीह ने अपने जीवन को सभी के लिए प्रेम पूर्वक और मानवता के पापों को मिटाने के लिए अपना बलिदान दिया था, तो इसीलिए यह दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार लाना। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बना है। और इस स्वास्थ्य बीमा के तहत राज्य के हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराया जाएगा। बात करते हैं राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जानवरों हेतु दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो रूस देश द्वारा जानवरों हेतु दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है, जिसमें कि जानवरों को कोविड-19 से बचाने हेतु वैक्सीन लगाई जाएगी। बात करते हैं रूस देश के बारे में, तो रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी है मॉस्को और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिसुस्टिन और रूस की करेंसी है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी पर्वत को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो यह ओडिशा राज्य सरकार द्वारा महेंद्रगिरी पर्वत को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। और ये जो महेंद्रगिरी पर्वत है यह ओडिशा राज्य की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। बात करते हैं ओडिशा राज्य की, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल और ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस सूचकांक में भारत 140वें स्थान पर रहा है। और पिछली बार जेंडर गैप सूचकांक में भारत का स्थान 112वां रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत की है? तो पंजाब राज्य सरकार द्वारा सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत की गई है। बात करते हैं पंजाब राज्य की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर और पंजाब हाई कोर्ट को चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहा जाता है, जो कि पंजाब और हरियाणा का संयुक्त हाई कोर्ट है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं रवि शंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है? पाकिस्तान देश द्वारा
टिकटॉक ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो है बांग्लादेश में शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, और इस सैन्य अभ्यास में भारत पहली बार भाग ले रहा है। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, और बांग्लादेश की करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के CMD का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो सुभाष कुमार को तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के CMD का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, और ये जो सुभाष कुमार है ये ONGC के ही अध्यक्ष हैं, जिन्हें ही ONGC के CMD का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के CMD राजेश कुमार छिब्बर का कार्यकाल RBI द्वारा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर बैंक के CMD राजेश कुमार छिब्बर का कार्यकाल RBI द्वारा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जो कि मई से अक्टूबर तक होती है, और दूसरी राजधानी है जम्मू, जो कि नवंबर से अप्रैल तक होती है। और जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मिठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य के अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले विचित्र जीवों की सुरक्षा हेतु अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र हाई कोर्ट को मुंबई हाई कोर्ट कहा जाता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता। अब ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस पदक तालिका में भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला। अब यह क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? यह है 4 ऑप्शन, और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, जय हिंद।